गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने नर्स्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, जिसके थ्रू हम लोग नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। उसी सीक्वेंस में हमने आपको फार्मूला एक बार बता दें और सामने एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, उसको हमको सॉल्व करना है। किसी स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है कि इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दिया जाए। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद फिर हम एक दो न्यूमेरिकल और आपको बताएंगे, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। और फिर हम आज इसी सीक्वेंस में फ्री एनर्जी के बारे में बताएंगे, पीएच कैलकुलेट करना बताएंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, कॉपर सिल्वर सेल इज सेटअप, द कॉपर आयन कंसेंट्रेशन इज 0.10 मोल पर लीटर, द कंसेंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन इज नॉट नोन, द सेल पोटेंशियल व्हेन मेजर्ड वाज 0.42 वोल्ट, डिटरमाइन द कंसेंट्रेशन ऑफ एजी पॉजिटिव। और आपको गिवन है ई नॉट एजी पॉजिटिव स्लैश एजी इज इक्वल टू प्लस 0.80 वोल्ट एंड ई नॉट सी यू डबल पॉजिटिव स्लैश सी यू इज इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स ये हुआ आपका कंप्लीट क्वेश्चन। पहले तो हमें क्या करना है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की स्टैंडर्ड वैल्यू दी हुई, क्योंकि सेल हमको दिया नहीं गया है, तो उससे हमको सेल डिजाइन करना है। और सेल डिजाइन करने के लिए हमने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यू है वो रिडक्शन के फॉर्म में होनी चाहिए। यस, आपको ये रिडक्शन के फॉर्म में दी गई हुई है। और जो सी वैल्यू कम होगी उसका एनोड बनेगा। इसमें कॉपर की वैल्यू कम है, कॉपर की वैल्यू प्लस 0.34 वोल्ट है और सिल्वर की वैल्यू प्लस 0.80 वोल्ट है। इसके अकॉर्डिंग हम सेल बनाएंगे। कॉपर का हमारा एनोड बनेगा और सिल्वर का हमारा कैथोड बनेगा। तो हम सेल कैसे बनाएंगे, एनोड हम लेफ्ट में लिखते हैं, फिर उसके बाद हम ब्रिज बनाते हैं, फिर हम कैथोड लिखते हैं। एनोड हमारा कॉपर का है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और हम उसको ऑक्सीडेशन के फॉर्म में लिखते हैं, Cu सॉलिड स्लैश Cu डबल पॉजिटिव। यहाँ पे हमको 0.1 m दिया गया है, डबल स्लैश। कैथोड हमारा सिल्वर का है, क्योंकि इसकी रिडक्शन वैल्यू ज्यादा है तो हम यहाँ पे सिल्वर लिखेंगे। कैथोड पे हम रिडक्शन के फॉर्म में लिखते हैं Ag, और इसकी कंसेंट्रेशन हमको नहीं मालूम, x ले लेते हैं, और स्लैश Ag सॉलिड। ये तो हमारा सेल बन गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब सेल के अकॉर्डिंग, सेल बनाने के बाद हम इसका स्टैंडर्ड E0 सेल निकाल लेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू जो है सेल पोटेंशियल की वो कैलकुलेट करेंगे। तो स्टैंडर्ड वैल्यू जो सेल की कैलकुलेट करेंगे तो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू आएगी E नॉट सेल इज इक्वल्स टू E नॉट रिडक्शन कैथोड माइनस E नॉट रिडक्शन एनोड। मींस कैथोड जिस चीज का बना हो उसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यू, कैथोड हमारा किसका बना है, सिल्वर का बना है, यहाँ पे भी सिल्वर का बना है, इसकी वैल्यू हुई 0.80 वोल्ट माइनस कॉपर की वैल्यू 0.34 वोल्ट इज इक्वल टू 0.80 माइनस 0.34 दैट्स इक्वल टू 0.46 वोल्ट। ये तो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू आ गई। और एक वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी गई है, द कॉपर आयन कंसेंट्रेशन इज 0.1, द कंसेंट्रेशन ऑफ एजी पॉजिटिव इज नॉट नोन, द पोटेंशियल व्हेन मेजर्ड वाज 0.42 वोल्ट। ये हमको क्वेश्चन में दिया गया 0.42 वोल्ट। तो ये ई सेल की वैल्यू दी गई है और ये ई नॉट सेल की वैल्यू दी गई है। हमें सेल रिएक्शन का यूज करके डायरेक्ट निकालना है, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड से नहीं निकल पाएगा। तो पहले तो हम इसके लिए सेल रिएक्शन लिखें। सेल रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी,
Cu gives Cu double positive plus 2e negative. उसके बाद ये कैथोड रिएक्शन एनोड रिएक्शन हो गई. अब Ag पॉजिटिव प्लस 1e नेगेटिव गिव Ag. इलेक्ट्रॉन को हमको बैलेंस करना है. इलेक्ट्रॉन यहां है 1, यहां है 2. इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. इक्वेशन बन जाएगी Cu प्लस 2Ag पॉजिटिव. It gives Cu double positive और plus 2Ag. इस रिएक्शन को लिखने से हमें N की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी. N is equals to 2. 2 इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन बैलेंस हो रही है. अब हम इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे. E cell is equals to E naught cell माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, दैट मीन्स सीयू डबल पॉजिटिव अपॉन ये एजी की भी कंसंट्रेशन लिखनी होती है, लेकिन वो सॉलिड है तो उसकी वन आएगी इसलिए नहीं लिखी गई है. अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एजी पॉजिटिव होल स्क्वायर. होल स्क्वायर क्यों लगा, क्योंकि इसके पहले 2 है. ये वैल्यू हमको दी है क्वेश्चन में 0.42. ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है ई नॉट सेल की 0.46 माइनस 0.0591 अपॉन 2. ये हमने यहां पे 2 कैलकुलेट किया है, एन इक्वल टू लॉग कॉपर की कंसंट्रेशन क्वेश्चन में दी गई है 0.1 अपॉन, इसको हमने x मान लिया x स्क्वायर. इस पूरे टर्म्स को इधर लाएंगे, 0.42 को इधर ले जाएंगे. जब 0.42 को इधर ले जाएंगे तो माइनस होके कितना आ जाएगा 0.04, और ये इधर आ गया 0.0591 अपॉन 2 लॉग 0.1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर गया और माइनस हुआ 0.04. ये 2 का मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड में जाएगा. ओके स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, 0.0591 को डिवाइड में लाएंगे. इधर का मैं रब कर रहा हूं, ये भी रब कर देता हूं, तो ये आपका हो गया लॉग 0.1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.04 इनटू 2 अपॉन 0.0591. इसको जब आप डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, सो यू विल गेट 0.01 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1.35. और फिर हम इसको इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स. ये आपको शायद नहीं आता होगा, इसके लिए टेबल मिलेगी आपको, और ये सीबीएसई 2009 का क्वेश्चन है तो डेफिनेटली इसमें एंटी लॉग की टेबल लेनी पड़ी होगी. अगर आपको नहीं आता, इसी के बाद आज ही मैं आपको लॉग और एंटी लॉग का एक सलूशन बताऊंगा कि कैसे आप लॉग सॉल्व कर सकते हैं, और वाला वीडियो जरूर देखेंगे सब लोग, जिससे आपको लॉग टेबल देखना और लॉग का कैलकुलेशन करना ईजी पड़ जाएगा. तो एंटी लॉग लेने से इधर लिखेंगे एंटी लॉग log 0.1 upon x square is equals to anti log 1.35. ये तो कैंसिल हो गया, इधर बचेगा 0.1 upon x square, और इधर इसका एंटी लॉग टेबल पे देखेंगे तो 22.85 ऐसे आएगा. और फिर आप इसको इधर डिवाइड में ले जाएंगे, x square equal to 0.1 upon 22.85, और फिर x की वैल्यू निकालेंगे, डिवाइड करके स्क्वायर रूट लेंगे 0.066 एम. दिस विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन. तो स्टूडेंट्स हमें इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, और इसमें लॉग और एंटी लॉग दोनों ही आपको देखने पड़ जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट देखिए सेकेंड क्वेश्चन है आपके सामने. वोल्टाइक सेल इज सेटअप एट 25 डिग्री सेल्सियस विद द फॉलोइंग हाफ सेल्स.
Ni/Ni double positive 0.5 m and Al/Al triple positive 0.001 m. These are the two half cells. Determine the cell potential at 25 degrees Celsius. Given E naught Ni double positive/Ni is equals to -0.25 volt and Al triple positive/Al is -1.66 volt. स्टूडेंट्स फिर हमको इसी केस में सेम उसी तरह से पहले तो हमको सेल कंडक्ट करना है, बनाना है कि सेल क्या बनेगा, और सेल बनाने के लिए क्योंकि दोनों हाफ सेल दिए हैं, सेल बना के लिए दिया गया है, एंड लगा है बीच में, एंड लगा है इसका मतलब कि सेल नहीं बनाया गया, दोनों हाफ हाफ सेल है। ये वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमको सेल बनाना पड़ेगा। वैल्यूज रिडक्शन के फॉर्म में होनी चाहिए, दोनों वैल्यूज रिडक्शन में है, और आप देख रहे हैं कि एक वैल्यू जो कम होगी वो एनोड होगा। एयर की वैल्यू माइनस में 1.66 वोल्ट है, निकल की वैल्यू माइनस में 0.25 वोल्ट है, ये कम है, एयर का एनोड होगा और निकल का कैथोड होगा। तो हम सबसे पहले सेल बनाते हैं, कैसे सेल बनाएंगे, एनोड लेफ्ट में लिखेंगे /// ये सॉल्ट ब्रिज के लिए इंडिकेशन है, कैथोड राइट में, एनोड होगा एयर का और एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा Al/Al triple positive, यहां पे वैल्यू लिख दीजिए 0.001 m, /, निकिल का कैथोड होगा, क्यों होगा, क्योंकि निकिल की वैल्यू जो दी गई है वो ज्यादा है, दोनों में जो कम वैल्यू होगी वो एनोड, कैथोड पे हम रिडक्शन कराते हैं Ni double positive 0.5 m/Ni, ये आपका सेल हो गया। सेल से आप ई नॉट सेल कैलकुलेट कर सकते हैं, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट रिडक्शन कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन एनोड। कैथोड हमारा है निकिल का, और निकिल की वैल्यू आपको दी गई है इधर -0.25 वोल्ट, ब्रैकेट में जरूर लिख लीजिएगा माइनस लगे हुए हैं, -0.25, देन अगेन माइनस, ये फार्मूला के लिए है, और ये आपका एनोड, एनोड है एयर का, एयर की भी वैल्यू माइनस में दी गई है -1.66, -0.25 और माइनस माइनस प्लस 1.66, इसको आप माइनस करेंगे प्लस माइनस, ये प्लस का ये माइनस का, 6 में से 5 गया 1 और 6 में से 2 गया 4, ये हो गया आपका, चेक कर लीजिए 651 624, और ये बचा 1.41 वोल्ट, ये तो आपका ई नॉट सेल आ गया। अब आप सेल रिएक्शन लिखेंगे, सेल रिएक्शन इसके अकॉर्डिंग लिखी जाएगी, जैसे अभी बताया Al gives Al triple positive 3 इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे बैलेंस करने के लिए, एनोड रिएक्शन हो गई है। नाउ कैथोड रिएक्शन, रिडक्शन होता है कैथोड पे, Ni double positive plus 2e negative gives Ni, इलेक्ट्रॉन को इक्वलाइज करना है, नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो टेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां इसी क्वेश्चन में 3 से कर दें 6 हो जाएंगे, इसी क्वेश्चन में 2 से कर दें 6 हो जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, और एन की वैल्यू भी निकल के आ गई, एन इज इक्वल टू 6, इलेक्ट्रॉन कट गए, इक्वेशन बन गई आपकी 2Al प्लस 3Ni triple double positive, इट गिव्स 2Al triple positive प्लस 3Ni। आपको ई नॉट सेल की वैल्यू पता चल चुकी है कि ई नॉट सेल है आपका, और आपको ई सेल की वैल्यू निकालनी है। ई सेल नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल -0.0591/n log concentration of product, product ये है ये तो solid है,
आयन आपका ये है एयर ट्रिपल पॉजिटिव, इसके पहले स्टोइकोमेट्री क्या लगा है टू पावर पे लगेगा अपान इस साइड में ये सॉलिड है ये एनआई डबल पॉजिटिव स्टोइकोमेट्री थ्री एनआई डबल पॉजिटिव होल पावर थ्री वैल्यू पुट करेंगे 1.41 वो तो ई नॉट सेल की वैल्यू है माइनस 0.0591 अपॉन 6 ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस होके एन इक्वल टू 6 आया लॉग कंसंट्रेशन एयर ट्रिपल पॉजिटिव की क्वेश्चन में दी गई थी ये भी लिखी है 0.001 यहां पे भी दिया गया 0.001 0.001 होल स्क्वायर अपॉन एनआई की दी गई है 0.05 होल क्यूब ओके स्टूडेंट्स देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे 1.41 माइनस 0.0591 अपॉन 6 लॉग इसको जब हमने होल स्क्वायर किया तो इसकी वैल्यू आई 1 × 10⁻⁶ अपॉन इसका जब होल क्यूब किया तो 0.125 इस पूरे को सॉल्व करेंगे जब तो ये आएगा 1.41 माइनस 0.0591 अपॉन 6 लॉग 8 × 10⁻⁶ अब स्टूडेंट्स इसका लॉग लेंगे जब लॉग लेंगे तो आएगा इज इक्वल टू 1.41 माइनस 0.0591 अपॉन 6 और लॉग की वैल्यू आएगी माइनस 5.091 अब स्टूडेंट जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके हमको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए ओके स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स अब देखिए आपको जो स्पेशल टॉपिक है इस पे आज वो कंटिन्यूएशन में करेंगे टॉपिक है फ्री एनर्जी गिव्स फ्री एनर्जी इसका पूरा वो नेम है और हम डेल जी से इंडिकेट करते हैं उसे ये स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड दोनों होती है डेल जी एंड डेल जी नॉट जब आप कोई एनर्जी को कंज्यूम करते हैं यूज करते हैं उसमें कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट होता है जिसे हम यूजफुल वर्क बोलते हैं और बहुत सारी एनर्जी जो हम यूज नहीं कर पाते दूसरे फॉर्म में वेस्ट चली जाती है द एनर्जी विच इज कंज्यूम्ड इन द यूजफुल वर्क दैट विल बी कॉल्ड गिव्स फ्री एनर्जी और हम सेल के थ्रू मीन्स सेल कितना वर्क कर रहा है या कितनी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम करना चाहते हैं गिव्स फ्री एनर्जी को कैलकुलेट करना इसका फार्मूला है डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल एन एफ ई नॉट सेल ये स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी बोली जाएगी या स्टैंडर्ड वर्क डन बोला जाएगा यहाँ पे एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यूज किए गए थे ई नॉट सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है एफ ये फैराडे की वैल्यू 96500 ये वैल्यू जो है डेल जी नॉट की जून में आएगी और ये निगेटिव होनी चाहिए अगर ये निगेटिव वैल्यू है डेल जी नॉट और डेल जी विल बी निगेटिव देन सेल विल वॉक अगर ये वैल्यू आपकी निगेटिव नहीं है पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो उसका मतलब सेल काम नहीं करेगा इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई नहीं करेगा अगर आप नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकालना चाहते हैं तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए बस यहाँ पे डेल जी लिया जाएगा जब डेल जी लिया जाएगा तो उधर हम क्या करेंगे दैट्स मीन डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल मीन्स ये है कि आपको अगर गिव्स फ्री एनर्जी निकालनी है स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे तो ई नॉट सेल या ई सेल को कैलकुलेट करना पड़ेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से फैराडे से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे सो आपको जूल में एनर्जी मिल जाएगी इसी के साथ साथ पीएच वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं अलग अलग कंडीशन पे सेल में कंसंट्रेशन क्या है
सेल में जो केमिकल फिलअप करेंगे उसमें कंसंट्रेशन चेंज होगी, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे चेंज होगी। जब नॉन स्टैंडर्ड, क्योंकि स्टैंडर्ड पे तो 1 ही रहेगी उसकी कंसंट्रेशन, तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे ही पीएच की वैल्यू आपको कैलकुलेट कराई जाएगी। जब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे पीएच की वैल्यू कराई जाएगी कैलकुलेट, तो हम उसके लिए फार्मूला लिखेंगे। पीएच मींस जो सॉल्यूशन आप यूज कर रहे हैं उसकी पीएच क्या होगी। पीएच इज इक्वल टू ई सेल अपॉन एन ई सेल अपॉन 0.0591। इस वैल्यू से हम आप पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें हम ई सेल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और ये उसको हम डिवाइड कर लेंगे, पीएच निकल जाएगा। और अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं, लॉ केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा स्टैंडर्ड कंडीशन पे ही आप मेजर कर पाएंगे। लॉग केसी इज इक्वल टू एन ई नॉट सेल अपान 0.0591। ये लॉग केसी लिखा हुआ है, और लॉग केसी लिखा है इसको आप फिर एंटी लॉग लेना पड़ेगा। पहले यहां वैल्यू पुट करेंगे फिर एंटी लॉग लेंगे। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स फ्री एनर्जी में भी रिलेशन है। डेल जी इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के सी। ये है रिलेशन गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट, आज स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन है आपके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, किस तरह से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे। ये कोई रिएक्शन दी जा रही है 2A ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 3B, इट गिव्स 2A प्लस 3B डबल पॉजिटिव। E नॉट सेल इक्वल्स टू 0.0591 वोल्ट। कैलकुलेट केसी, केसी निकालना। पहले तो हमें इसके इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने पड़ेंगे, क्योंकि लॉग केसी के फॉर्मूले में क्या है, लॉग केसी इज इक्वल टू एन ई नॉट सेल अपॉन 0.0591। ई नॉट सेल की वैल्यू आपको दे दी गई है, ई नॉट सेल की वैल्यू 0.0591 दी गई है, एन की वैल्यू इसमें 6 निकल के आ रही है। रिएक्शन को अलग अलग करके देखेंगे, अगर आप 6 आएगी तो लॉग के सी इक्वल टू 6 × 0.0591 अपॉन 0.0591। ये कैंसिल हो गया, लॉग के सी इक्वल टू 6। अब हमें के सी निकालना है तो एंटी लॉग लेना पड़ेगा, एंटी लॉग के सी इक्वल टू एंटी लॉग 6। एंटी लॉग 6 लेंगे, इधर तो के सी बचा, के सी इक्वल टू 10 to the power 6। ये है आपका, इस तरह से के सी निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर अभी भी आपको कोई डाउट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, सेल पोटेंशियल से, पीएच वैल्यू कैलकुलेट करने में, डेल जी नॉट कैलकुलेट करने में, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करने में, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में अब हम नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, गुड बाय।